Hello guys, and welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, this is our new outfit. ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे Little Scholars की publicity increase करने के लिए नए नए outfit चालू कर लिए हैं. ठीक है, right? और ऐसा ही एक नया outfit हम लोग लेके आए हैं हमारे मैथ्स के चैनल, जो कि क्या है, ब्रेन मीजल्स पे. ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो नंबर 2 के ऊपर. पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स को पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, कैसे कैसे हैं, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है. ठीक है भाई, जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, आज का पहला वीडियो, यहां जाओ और यहां जाके हमारा पूरा पहला वीडियो देख लो और उसके बाद हमारे अगले वीडियो पे हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आज के दिन अभी कहानी और बाकी है. शाम हुई है लेकिन हमारा समय अभी बंधना बहुत बाकी है. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जहां छोड़ा था पुराना वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं. कहां छोड़ा था, कंपोजिशन हीट सप्लाई करके करेंगे. क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करके करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, हमारे पास क्या है, कैल्शियम. इस वीडियो जहां हम खत्म करके गए थे, डिकम्पोजिशन से चालू करना है. मैं आपको दो तरीके के डिकम्पोजिशन समझा चुका था. ठीक है, तीसरा डिकम्पोजिशन लेके आता हूं मैं आपके लिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज व्हाट फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, राइट. तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव फोटोग्राफी का. किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, नेगेटिव फोटोग्राफी का. क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, इसी पर ही बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा, इसी पर ही बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे एक कंपाउंड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के काम में आता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है. क्यों स्टोर करके रखा जाता है, अगर स्टोर करके नहीं रखूं तो क्या होगा, राइट, इट्स केमिकल रिएक्शन. ठीक है, राइट. तो उसके लिए हमारे पास, हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, हमने एक ली चाइना डिश और चाइना डिश में रखा सिल्वर ब्रोमाइड. क्या रखा, सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है, अगर ये चाइना डिश में ऐसा ही रखा रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये अपने रंग दिखाना चालू करेगा किसके साथ, जब यहां पर मिस्टर सूरज आएंगे. ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट आएगी और इस सिल्वर ब्रोमाइड से टकराएगी, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा, अब वो देखो. AgBr जब टूटता है तो हमें मिलता है सिल्वर और Br. ठीक है, तो इस तरीके से सिल्वर भी टूट गया और Br भी ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से उस फोटोग्राफिक फिल्म का जो कलर है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और वो खराब हो जाती है. ठीक है, इसीलिए हम इस AgBr को या फिर AgCl को, दोनों को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, ताकि सन की आने वाली लाइट उनको कोई भी इफेक्ट नहीं कर सके और वो अपना प्रोसेस एज इट इज करते रहें. ठीक है, एक बार और बता दूं, यही एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्लोरीन गैस भी ले सकते हैं. अगर मैं AgCl का डिकम्पोजिशन देखूं, तो AgCl जब ब्रेकडाउन होगा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस हम लोगों को देगा. इज दैट क्लियर. चलिए तीसरा काम करते हैं हम लोग हमारे साथ. तीसरा काम क्या है, आज का अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, मैं यहां खड़ा हूं, किसी ने मुझे यहां से बुलाया, इधर उधर उधर, ठीक है ना, और वो मेरे पास आ गया. ठीक है, तो उसने अपनी जगह छोड़ी और वो कहां आ गया, मेरे पास आ गया. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक मेटल, ठीक है, राइट, दूसरी किसी चीज को देखेगा तो वो उसके पास चला आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, और उस वाले को अकेला छोड़ के आ जाएगा. ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें बेसिकली सबसे पहले मेटल्स के आयन बनते हैं और दूसरा हम लोग एक मेटल का सल्यूशन लेते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया एक जिंक और दूसरा मैंने सल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का. ठीक है, अब क्या होगा कि ये कॉपर सल्फेट जब जिंक को देखेगा या जिंक इस कॉपर सल्फेट के पास आएगा, तो ये अपना रंग बदलेगा. रंग क्यों बदलेगा, जैसे ही मैंने इस जिंक को उठा के कॉपर सल्फेट में डाला, ठीक है, जैसे ही मैंने जिंक को उठा के कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, तो अब क्या होगा, जिंक के आयन्स ब्रेक डाउन होंगे.
ठीक है, और वो बनाएंगे क्या Zn2+, ठीक है, क्या बनाया उन्होंने Zn2+ आयन बनाए, ठीक है। और ऐसे ही कॉपर सल्फेट भी टूटेगा, और कॉपर सल्फेट टूटने के बाद क्या करेगा Cu और SO4- बनाएगा। तो अब ये जिंक इस कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा, इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता चला गया, ठीक है, और जिंक के ऊपर ZnSO4 बन गया और एक लेयर चढ़ गई पूरी की पूरी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस जिंक को हटा देता हूं और उसकी जगह लेके आता हूं सिल्वर, ये मैं सिल्वर ले आया, ये मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और इस सिल्वर को कॉपर सल्फेट के साथ रख दिया, ये ब्लू है, ठीक है, और वहां देखा था मैंने कलर चेंज हुआ था, तो यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होगा और वो सिल्वर एज इट इज रहेगा, हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नो रिएक्शन का केस। व्हाई नो रिएक्शन, अब उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग हमारी वीडियो में पढ़ते आए हैं कि हम लोग कैटरीना के बहुत अच्छे फैन हैं, तो हम लोगों ने जब रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी तो क्या याद करी थी, कैटरीना कार मांगे ऑल्टो जैन फरारी, ठीक है, इतनी सारी डिमांडिंग है वो, फिर भी है क्यूट सी गर्ल, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला कम रिएक्टिव है इसी के ऊपर, ठीक है, राइट। तो ये हुई हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आती है हमारे पास चौथी रिएक्शन आज की, दैट इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी सिर्फ एक बार डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, वो इधर उठ के आ गया, अब क्या होगा, वो इधर आएगा और मैं उठ के जाऊंगा उसकी जगह, यानी कि देखो जगह बदल रही है, ठीक है ना। तो वो इधर आएगा और मैं कहां जाऊंगा, उधर जाऊंगा, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयंस बनते हैं, हाई रिएक्टिव प्लेस बदलता है और लेस रिएक्टिव उसकी जगह जाकर बैठ जाता है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन ऐसा बनता है, एक तो लिक्विड बनता है हमारे पास और दूसरा ऐसा होगा जो कि उस लिक्विड के ऊपर लेयर बनाएगा और उसमें डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि वो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, राइट। अब हम लिखते हैं इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन कि इसके लिए कौन सी रिएक्शन है और उसमें कौन सी चीज प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे पास एक तो बनेगा सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास बनेगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इस सॉल्यूशन के ऊपर एक लेयर बना लेगा और वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट्स के क्या काम है, वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन करने के काम में आती है, ठीक है, राइट। इसी डिस्प्लेसमेंट का एक हिस्सा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग द एक्शन, ठीक है। इसके अंदर जब मैं एक एसिड ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल HCl, दूसरा मैंने लिया NaOH, ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी, NaCl प्लस H2O, ठीक है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट भी और डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होने के बाद मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद एक सॉल्ट और सॉल्ट के साथ बनाते हैं वॉटर, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आती है हमारी आज की पांचवी रिएक्शन, दैट इज वॉट रिडॉक्स, ठीक है। अब इस वर्ड को तोड़ो, ठीक है, और पूरा पढ़ते हैं। वर्ड है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैंने क्या करा, इस रिडक्शन वर्ड से लिया री रेड, ठीक है ना, मैंने रिडक्शन वर्ड से क्या उठाया, रेड उठाया, और ऑक्सीडेशन वर्ड से हम लोगों ने उठाया ऑक्स, और इन दोनों वर्ड्स को हम लोगों ने कंबाइन किया और क्या बन गया हमारे पास, रिडॉक्स, ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, रिडॉक्स बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम लोग हेलमेट से सिर को कवर कर लेते हैं और बचते हैं, तो उसी तरीके से इधर से उठाया हमने हेलमेट और इधर से उठाया हमने सिर और दोनों को मिक्स कर दिया एंड इट बिकम्स
redox. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया यहां पर, redox reaction बन गई. ठीक है, तो यहां पर दो चीजें एक साथ हो रही है, one is reduction and second is oxidation. What is reduction? Reduce होना. What is oxidation? Oxidize होना. Oxidize मतलब कि अगर मैं एक कंपाउंड लूं और उसमें ले जाके ऑक्सीजन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. That is known as redox reaction. ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, redox reaction कहलाती है. हम लोग चलते हैं redox में एग्जांपल पे. ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिया. ठीक है, CuO. ठीक है, अब मैंने उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया. ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले ये कॉपर अपने ऑक्सीजन को छोड़ेगा. ठीक है, इस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा और ये ऑक्सीजन उठा और वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया. अब देखिए अब प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, गिव्स कॉपर मेटल प्लस हाइड्रोजन, वाटर. ठीक है, राइट, तो हमारे पास ये रिएक्शन आया. तो इसमें क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का जो हमने यहां ले रखा है, इस हाइड्रोजन का ये कॉपर में से ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीजन अटैच हो जाना, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और जिसमें से ऑक्सीजन निकला उसका हुआ रिडक्शन. तो आप देखो ये कॉपर रिड्यूस हो गया. तो यानी कि मेरे पास चल रहा है हाइड्रोजन से वॉटर, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन एड, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ये क्या बन गया मेरे पास, हो गया काम हमारा. ठीक है ना, हो रहा है ना. तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, तो जब तक ये कॉपर अपना ऑक्सीजन छोड़ता नहीं तब तक इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लगता नहीं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक साथ होते हैं, एक बार में होते हैं. ठीक है, ठीक है ना. तो गाइज ये हुई हमारी पांच रिएक्शंस खत्म और आज की ये छोटी वीडियो, वीडियो नंबर 2 भी खत्म. ठीक है, अगला वीडियो अभी जाना नहीं है, शाम बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है. तो अगली वीडियो जो होगी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर होगी, जहां पर हम लोग अगले 10 मिनट में आप लोगों के साथ 20 एमसीक्यू शेयर करेंगे और उन 20 एमसीक्यू के आपसे आंसर जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और कल की वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ आएंगे करोजन को लेके और आंसरिंग द क्वेश्चंस को लेके. सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वापस आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए. थैंक